नमस्कार, मैं मिलन सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और हम आज पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी राजवंश था उसके बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर पूर्वांचल आईएएस में आपको पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का जो कोर्स है वो पढ़ा रही हूँ। हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य सेवा का पूरा सामान्य अध्ययन उपलब्ध करा रहे हैं छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन के साथ। इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी माध्यम में भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, पूर्वांचल आईएएस में आपको और भी बहुत सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसे कि यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है, उत्तर प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, एनसीईआरटी की किताबें हैं जो उनके अलग अलग विषयों के कोर्सेज यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि विज्ञान प्रौद्योगिकी हो गया, आपका इतिहास हो गया, कला संस्कृति है, भूगोल है। ये जो सारी कोर्सेज हैं, आपको करना बस कुछ नहीं है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के पूर्वांचल आईएएस का जो ऐप आता है वो डाउनलोड कर लेना है और आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं कलचुरी वंश की। तो ये जो कलचुरी वंश है ना, छत्तीसगढ़ में तो इन्होंने बाद में अपना आधिपत्य स्थापित किया। उससे पहले ये कहां पर थे? त्रिपुरी में, जबलपुर मध्य प्रदेश के पास में एक जगह है त्रिपुरी, जहां पर इन्होंने शासन किया है। छत्तीसगढ़ में इनका शासन कब आया? दरअसल जब छत्तीसगढ़ में बान वंश चल रहा था, जब मैं आपको राजवंश पढ़ा रही थी, मैंने आपको बान राजवंश के बारे में पढ़ाया था। बान राजवंश कहाँ पे था? वो था कोरबा में, ठीक है। कोरबा में उनका शासन चल रहा था 9वीं शताब्दी के आसपास में। तो उन लोग जब वहां पर थे, तो ये जो शंकरगढ़ द्वितीय है, इन्होंने हमला किया बान लोगों पे और हमला करके उन्हें पराजित कर दिया और उसके बाद अपना शासन स्थापित कर दिया और इन्होंने कोरबा के तुम्मन को अपनी राजधानी बना लिया। जब बान लोग वहां पर राज कर रहे थे तो पाली कोरबा उनकी राजधानी थी, लेकिन उसके बाद जब ये जो शंकरगढ़ थे, इन्होंने इन लोगों को हरा दिया तो इन्होंने तुम्मन को राजधानी बना दिया। शंकरगढ़ के बाद दरअसल छत्तीसगढ़ में आए ये कलिंग राज, और इन कलिंग राज को माना जाता है हमारा जो असली संस्थापक है वो। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी के संस्थापक कौन माने जाते हैं? कलिंग राज माने जाते हैं। देखिए, ये लक्ष्मण राज के पुत्र थे और हमें कलचुरी के एक राजा पृथ्वीदेव प्रथम है, उनका एक अमोड़ा में ताम्र का प्लेट मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो कलिंग राज थे वही रतनपुर में असली संस्थापक थे। रतनपुर जो शाखा थी कलचुरी की, उसके असली संस्थापक थे और इन्होंने तुम्मन कोरबा को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने चतुरगढ़ एक जगह है, वहां पर महामाया मंदिर भी बनवाया है। उसके बाद गद्दी पे आए कमलराज। तो ये जो कमलराज थे ना, इनके दौरान जो त्रिपुरी शाखा के एक राजा थे गंगादेव, इन्होंने उत्कल अभियान किया था, मतलब कि उत्कल को विजय करने के लिए, उत्कल यानी उड़ीसा, उन दिनों पे वो उत्कल कहलाता था, उसके लिए उन्होंने उत्कल पर हमला किया और उस हमले में कमलराज ने उनका साथ भी दिया था। हालांकि उस हमले में गंगादेव हार गए थे, लेकिन जब उत्कल से लौटते वक्त कमलराज अपने साथ में एक सहिला नामक बहादुर व्यक्ति को लेकर के आए। सहिला नाम था, सहिला बोल लीजिए आप इसको। और जो ये व्यक्ति सहिला थे, ये काफी अच्छे और निपुण थे और इन्होंने कमलराज की मदद की जो कलचुरी शासन था ना, उसके क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कमलराज ने साहिला की मदद के साथ जो कलचुरी शासन का जो क्षेत्र था उसका विस्तार किया। उसके बाद आए रतनदेव प्रथम, या कह सकते हैं रत्नराज। ये बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने राजधानी को क्या किया, तुम्मन से रतनपुर ले गए। ये देखिए, इन्होंने स्थानांतरण कर दिया तुम्मन से रतनपुर का, और इन्होंने रतनपुर में महामाया मंदिर भी बनवाया और बहुत सारे तालाब भी खुदवाए। तो इसीलिए रतनपुर को तालाबों का शहर भी माना जाता है। इन्होंने ही रतनपुर जो जगह है उसको माना जाता है कि स्थापित किया। आप नाम से भी याद रख सकते हैं, रतनराज ने ही रतनपुर को अच्छे से बसाया और उन्होंने ही स्थानांतरण किया राजधानी का। तो उसके बाद से कलचुरी की राजधानी क्या हो गई? इस शाखा की रतनपुर। उसके बाद आए ये पृथ्वीदेव प्रथम, जिनके अमोड़ा का जो ताम्र का प्लेट है वो हमें देखने को मिलता है। और उस प्लेट में क्या कहा गया है? इनको कहा गया है सकल कौशलाधिपति, मतलब ये कहा गया था कि ये 21,000 गांव के मालिक थे। मतलब जब ये शासन कर रहे थे, तकरीबन 21,000 गांव शायद इनके अंदर आते होंगे, ऐसा अमोदा कॉपर का जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर पे लिखा हुआ है। इन्होंने पृथ्वीराज सिंहेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और रतनपुर में विशाल तालाब भी खुदवाया।
ठीक है। इनके जो मतलब अभिलेख है वो हमें अमोदा से मिलते हैं और उसके साथ साथ रायपुर और लाफागढ़ से भी मिलते हैं। उसके बाद आ गए ये जजल देव। ये जो जजल देव है, मैंने इनके बारे में आपको तब भी पढ़ाया था जब मैं आपको छिंदकनाग वंश जो है उसके बारे में पढ़ा रही थी। क्यों पढ़ाया था ये देखते हैं। इन्होंने एक शहर को स्थापित किया जजलपुर के नाम से और वो आज के समय पे जांजगीर नाम से जाना जाता है। तो जांजगीर की स्थापना किसने की? जजल देव ने। और उसका जो प्राचीन नाम उस समय पे हुआ करता था वो क्या हुआ करता था? जजलपुर। ठीक है। उन्होंने पाली का जो शिव मंदिर था जो बान लोगों के समय पे बना था, मैंने आपको पढ़ाया था कि बान के एक राजा थे विक्रमादित्य, उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण पाली कोरबा में करवाया था। तो जजल देव ने उस शिव मंदिर का क्या किया? जीर्णोद्धार किया, रिनोवेट करवाया उसको। ठीक है। इन्होंने त्रिपुरी शासकों का जो आधिपत्य था वो अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उस समय पे त्रिपुरी के जो शासक चल रहे थे वो बहुत ज्यादा बल वाले नहीं थे, वीक चल रहे थे, और इन्होंने उनका जो है आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सोने और तांबे के सिक्के जारी किए और उन सिक्कों पर इनका नाम लिखा होता था, श्रीमद जलादेव, श्रीमद जलजलादेव इनका नाम लिखा होता था, और गज श्रद्धालु भी लिखा होता था। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये यहां पर देखिए कि मैंने आपको शिंदक पढ़ाते वक्त इनके बारे में क्यों पढ़ाया था, क्योंकि शिंदक वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे, पराक्रमी राजा थे, सोमेश्वर देव प्रथम। इस सोमेश्वर देव प्रथम को जजल देव ने हराया था, और सिर्फ हराया नहीं था, इन्होंने उसको बंदी बना के भी रख लिया था। लेकिन फिर सोमेश्वर देव प्रथम की माता जी जो थी गुंडा महादेवी, उन्होंने इनसे जजल देव से आग्रह किया कि मेरे पुत्र को बंदी मत बनाइए, उन्हें छोड़ दीजिए, आपने हरा दिया है ठीक है, लेकिन आप उन्हें बंदी बनाकर मत रखिए। और उसके बाद जजल देव ने इन्हें छोड़ दिया। ठीक है। सोमेश्वर देव प्रथम की माँ जी के कहने पर। अब देखिए, इन्होंने उड़ीसा के भी एक शासक थे भुजबल, उसको हराया था। उड़ीसा के सोमवंश के शासक ये भुजबल थे। जब मैं आपको उड़ीसा का सोमवंश पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ये पढ़ाया था। ये जजल देव ने बहुत सारे अभियानों में विजय प्राप्त की है, जिनका जो हमें साक्ष्य है वो इनके शिलालेखों से भी मिलता है, जैसे कि बैरागढ़ जो जगह है, लजिका, भंडार, बांदकपुर, खिमड़ी, ये सब अलग अलग जगहों पे इन्होंने जाके विजय हासिल की। और माना जाता है कि नंदावली और कुकुट करके ऐसी जगह थी जहां के शासकों ने इनका जो है प्रभुत्व स्वीकार कर लिया था। जजल देव के बाद ये रतन देव द्वितीय जो है वो गद्दी पर बैठे। इनके हमें शिलालेख काफी जगह से मिलते हैं, जैसे कि अकलतरा हो गया, खरौद, खरौद जांजगीर चापा में है, परागांव है, शिवरी नारायण है, सरखून, इतनी जगहों से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि इनका शिलालेख मिलता है। और ये उसमें बताया गया है कि इन्होंने जो त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे गायकरण, उनको हराया था, और साथ ही उड़ीसा के राजा थे अनंत वर्मन, उनको भी इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। इन्होंने भी रतनपुर में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, क्योंकि ये कला के संरक्षक हुआ करते थे, तो मंदिरों के साथ साथ बहुत सारे और जो जलाशय है वो भी बनवाया। ठीक है। उसके बाद आए पृथ्वीदेव द्वितीय। जब पृथ्वीदेव द्वितीय गद्दी पर आए तो साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा हो चुका था, मतलब जो कलचुरी है उसका काफी मेरे ख्याल से विस्तार हो चुका था। और इन्हीं के बारे में हमें सबसे ज्यादा जो है जानकारी भी मिलती है, कहना चाहिए साक्ष्य मिलते हैं, रिकॉर्ड्स मिलते हैं। बताया ये जाता है कि उन्होंने चांदी के सबसे छोटे सिक्के जारी किए थे। तो अगर आपसे सवाल में पूछा जाता है कि चांदी के सबसे छोटे सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो है पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है। पृथ्वीदेव द्वितीय के एक मंत्री थे जगपाल देव, जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, और इन्होंने बहुत सारी जगह पर विस्तार करने में पृथ्वीदेव द्वितीय की मदद भी की थी। ये जो पृथ्वीदेव द्वितीय है, इन्होंने ना चक्रकोट पे हमला किया और उसको नष्ट कर दिया था, और ये चक्रकोट है छिंदकनाग लोगों की ये राजधानी हुआ करता था। जब मैं आपको छिंदकनाग पढ़ा रही थी तो मैंने उस समय भी आपको बताया था। पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी मंदिरों का निर्माण कराया है, तालाबों की खुदाई करवाई है, तो ये भी कहीं ना कहीं कला के संरक्षण हुआ करते थे। फिर जजल देव जो द्वितीय आए, तो इनके बारे में शिवरी नारायण जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि इनके दौरान त्रिपुरी कलचुरी शाखा के एक शासक जयसिंह ने हमला किया था, और दोनों के बीच में शिवरी नारायण पर झगड़ा भी हुआ, और उस झगड़े में जजल देव ने जयसिंह को हरा दिया और जयसिंह वहां से भाग गए। उसके बाद आए जगदेव।
तो ये जो जब जजल्यदेव की मृत्यु हुई ना, तो पूरे राज्य में बिल्कुल अशांति और बिल्कुल अव्यवस्था फैल गई थी। उस दौरान ये जो जगदेव है, ये एक लड़ाई में गए हुए थे, मतलब ये एक गैंग किंग थे, उनके साथ इनका संघर्ष चल रहा था। लेकिन जैसे ही इन्हें अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली, ये तुरंत वापस आए और उन्होंने शासन शुरू किया, और जो राज्य की बिल्कुल अव्यवस्था हो चुकी थी उसे आकर के संभाला। और ये फिर उसके बाद इन्होंने कलचुरी वंश को बिल्कुल साथ में मिला करके अक्षुण रखा, इंटैक्ट रखा। ठीक है, उसके बाद आए रतन देव तृतीय। तो देखिए, रतन देव तृतीय की हमें जो जानकारी है वो खरौद के शिलालेख से मिलती है। इनके काल के दौरान ना बहुत सारी अशांति और अराजकता फैल गई थी, और वो सबसे निपटने के लिए इन्होंने एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ब्राह्मण प्रधानमंत्री थे गंगाधर। ये जो गंगाधर थे ये बहुत ही निपुण थे, और इन्होंने सफलतापूर्वक वो जो स्थिति थी अराजकता की उसे संभाला। और ये बताया जाता है कि गंगाधर ने खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर था उसका जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद ये प्रताप मल्ल पे आ जाते हैं। तो प्रताप मल्ल के हमें तीन ताम्रपत्र लेखन पाए गए हैं, जहां से हमें इनके बारे में पता चलता है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इनके जो सिक्के थे ना, वो अलग अलग डिजाइन के हुआ करते थे। किसी में पहिए का प्रकार आपको मिलेगा, किसी में हेक्सागोन का टाइप का शेप मिलेगा, ऐसे जो छह तरफ से बना हुआ हेक्सागोन वाला शेप होता है, उस तरह के तांबे के सिक्के पाए गए हैं। उसमें शेर की आकृति बनी है, किसी में डैगर की छवि बनी है। तो ये अलग है प्रताप मल्ल के बारे में। ठीक है, इनका एक और बोरिया मूर्तिकला लिपि है, जहां से हमें पता चलता है कि ये जयराज और यशोनी नाम के जो इंसान थे वो इनके साथ काम करते थे, इनके नोबल हुआ करते थे। अब एक बात यहाँ पे जरूरी जो समझने की है वो समझिए कि जब इनकी मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद लगभग 300 वर्ष की जानकारी हमारे पास है ही नहीं। हमें मालूम ही नहीं है कि उस समय वहां पर क्या हुआ। उस 300 वर्षों का जो ड्यूरेशन था, जो वक्त था, उसे हम डार्क एज कहते हैं या फिर अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में मालूम ही नहीं है। उस पर रोशनी डालने के लिए हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। तो हमें नहीं पता कि प्रताप मल्ल के बाद 300 वर्षों तक क्या हुआ। और ये सवाल आपके छत्तीसगढ़ की परीक्षा में पूछा भी गया है कि उसको डार्क एज क्यों कहते हैं, अंधकार काल क्यों कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि प्रताप मल्ल के बाद हमारे पास 300 वर्षों की कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है, ना कुछ लिखा हुआ है, ना कोई पुस्तक है, ना शिलालेख है, कुछ भी मालूम नहीं कि इस दौरान क्या हुआ, कौन था कौन नहीं था, ये क्या कलचुरी उस समय क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे, क्या स्थिति थी, कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये जो 300 वर्ष है ये पूरे अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। उन 300 वर्षों के बाद जो हमें सीधे सीधे पता चलता है वो बहरेंद्र साई के बारे में पता चलता है, और हम ये मानते हैं कि उसके बाद बहरेंद्र साई ने शासन किया 300 वर्षों के बाद। 300 वर्षों का कुछ नहीं हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया। हमें जो साक्ष्य मिलता है, जैसे कि रतनपुर का रिकॉर्ड और कोसगई एक जगह है वहां का रिकॉर्ड मिलता है, तो हमें वहां से बहरेंद्र साई के बारे में पता चलता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजधानी का स्थानांतरण कर दिया था। रतनपुर में जो राजधानी थी रतनदेव ने करी थी, उससे इन्होंने राजधानी का स्थानांतरण करके कोसंगा में बना दिया। कोसंगा जो है वो वर्तमान छूरी है कोरबा के पास, तो जिसको कोसाई या कोसगई भी बोलते हैं, जिसके बारे में हमें यहाँ पे शिलालेख भी मिला है। तो इन्होंने स्थानांतरण कर दिया, कहते हैं कि ये सुरक्षा की दृष्टि से किया, और इन्होंने अपना कोष भी, जो धन का कोष था, वो भी वहां पे स्थानांतरित करवा दिया, और वहां पे इन्होंने कोसगई माता का मंदिर भी बनाया। माना यह जाता है कि इनके शासनकाल के दौरान पठान लोग जो थे उन्होंने हमला किया था, लेकिन इन्होंने सफलतापूर्वक जीत हासिल कर ली थी। बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासक आते हैं वो है कल्याण साई। ये महत्वपूर्ण क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि ये मुगल के जो बादशाह अकबर थे, अकबर दी ग्रेट जिसे हम कहते हैं, उनके समकालीन थे। मतलब ये दोनों उसी दौरान में थे, और ये कहा जाता है तुजुके जहांगीर, जो एक जहांगीर की पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है, उसमें ये बताया गया है कि ये जो कल्याण साई है ना, ये अकबर के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहे हैं, और इसके बारे में सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है। उस दौरान आपको बता दे कि एक जमाबंदी की प्रणाली चलती थी, मतलब जो कर रेवेन्यू जहां से आता था, जो कर वगैरह लिया जाता था, उससे जुड़ा हुआ ये जमाबंदी का सिस्टम था। तो कलचुरी के समय जमाबंदी सिस्टम चलता था, जिसे अकबर ने भी लिया है। इसी दौरान मिस्टर चिश्म करके जो एक व्यक्ति थे, जो बिलासपुर के पहले बंदोबस्त अधिकारी माने जाते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यहाँ पे थे, वो जमाबंदी सिस्टम से जो है बहुत प्रभावित हुए, और इन्होंने क्या किया, प्रशासनिक प्रणाली में उस सिस्टम को डाल दिया, और इन्होंने छत्तीसगढ़ को 36 किलो में विभाजित कर दिया। किलो मतलब फोर्ट्स में
वो वाला किलो नहीं, 36 उसमें फोर्ट्स में विभाजन इसका कर दिया। ठीक है, फिर आए तखत सिंह। ये जो तखत सिंह है इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, पर हाँ हमें ये जानकारी जरूर मिलती है कि ये सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने एक शहर बनवाया जिसका नाम तखतपुर ही रखा और इसे आबाद किया, बसाया मतलब। उसके बाद आए राज सिंह। ये जो राज सिंह है ये भी समकालीन थे औरंगजेब के, और ये राज सिंह के दौरान इनके यहाँ पर इनके जो कोर्ट है उसमें शाही दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए, वो थे गोपाल चंद्र मिश्र। इन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी जो है खूब तमाशा। ये खूब तमाशा के बारे में भी आपको सवाल देखने को मिला होगा अगर आपने पुराने प्रश्न पत्र देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, मेरी बात मानिए बहुत जरूरी है। हाँ, तो खूब तमाशा में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसमें मुगल बादशाह की जो नीतियां थी ना उनका आलोचन किया, आलोचन क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज किया, आलोचन किया। और उसी यही वो व्यक्ति हैं गोपाल चंद्र मिश्र जिन्होंने माना जाता है कि जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का इस्तेमाल किया, और इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनसे सवाल कई बार पूछा जाता है। माना यह जाता है कि ये जो राजा राज सिंह है इन्होंने अपनी रानी पत्नी कजरारा देवी के याद में रतनपुर में बादल महल बनवाया। ये बादल महल से भी सवाल कई बार आते हैं, तो ये इन्होंने ही बनवाया। अब ये निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने मोहन सिंह नाम के एक व्यक्ति को गोद लिया। ठीक है, मतलब गोद लिया, उसका नाम मोहन सिंह रखा। पर जब ये मरणासन पे थे, मरने की स्थिति में थे, तो उस समय पे मोहन सिंह शिकार के लिए गए हुए थे और उनका वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, कहीं दूर गए होंगे तो वो उस समय वापस नहीं आ रहे थे। और ये क्योंकि वापस नहीं आ रहे थे तो राज्य में अराजकता होने लगी थी, स्थिति खराब हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, उस समय इन्होंने अपने चाचा को उत्तराधिकारी बना दिया, उनके सिर पर पगड़ी बांध दी, और इस तरह से ये जो सरदार सिंह थे उनके चाचा राज सिंह के वो गद्दी पर आ गए। इन्होंने लगभग 20 वर्षों के लिए शासन तो किया लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई ऐसा कहा जाता है। और ये जो सरदार सिंह थे ये भी निसंतान थे, तो जब ये मरने लगे तो इन्होंने अपने एक भाई को यानी कि रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बना दिया। उसके बाद ये रघुनाथ सिंह आए गद्दी पे। जब इनको सिंहासन मिला ना तो इनकी उम्र 60 वर्ष की हो चुकी थी, समझ रहे हैं आप, तो ये थोड़े से निर्बल हो चुके थे, 60 वर्ष की उम्र इनकी हो चुकी थी। और माना ये जाता है कि ये कलचुरी वंश के आखिरी अंतिम स्वतंत्र शासक थे। क्यों ऐसा, क्योंकि रघुनाथ जी जब थे गद्दी पर तो उस समय मराठा के जो शासक रघुजी प्रथम थे उनके कमांडर भास्कर पंत ने क्या किया, हमला किया रतनपुर पर। लेकिन उस दौरान रघुनाथ बहुत दुखी थे क्योंकि रघुनाथ जी के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है कि किसी का इकलौता बेटा चल बसा है तो वो थोड़े से उस समय पे दुखी तो होंगे ही होंगे, और वो झगड़ा लड़ाई करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थे जब भास्कर पंत ने ये हमला किया, मराठा शासक के कमांडर ने। तो उस वक्त रघुनाथ ने क्या किया, बिना झगड़ा किए ही उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया और उन्होंने मराठा लोगों का जो अधिपत्य है वो स्वीकार कर लिया, और उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अब वो रघुजी प्रथम के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ से शासन करेंगे, ना कि कलचुरी के। तो अब ये लोग क्या हो गए, ये मराठा के अधीन हो गए, और इसीलिए कहा जाता है कि रघुनाथ आखिरी स्वतंत्र शासक थे। क्योंकि इसके बाद ये जो मोहन सिंह आए जिसको गोद लिया गया था, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया कि इन्होंने मोहन सिंह को राज सिंह ने गोद लिया था, वो गद्दी पे आए रघुनाथ सिंह के बाद में, तो ये स्वतंत्र शासक नहीं थे क्योंकि ये इन्हें मराठा लोगों ने नियुक्त कर दिया था रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद, और ये बिल्कुल एक उनके जस्ट प्रतिनिधि के राजा के तौर पे इन्होंने वहां पर क्या किया, शासन किया। अब देखिए, जानने की जरूरत यह है, ये तो राजाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन कलचुरी में जो प्रशासनिक प्रणाली थी वो कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो देखने की जरूरत है। देखिए, वहां पे राजशाही प्रणाली थी, मतलब राजा ही सबसे जरूरी था और उसी के फैसले आखिरी होते थे, सारे फैसले वही लिया करता था, वही सबसे मेन हुआ करता था, मोनार्की जिसे हम कहते हैं, कि राजशाही प्रणाली थी। लेकिन हाँ, उनका एक मंत्री परिषद भी था जिसके साथ वो बातचीत कर सकते थे, फैसले ले सकते थे, चीजों का डिस्कशन कर सकते थे, और उस मंत्री जो परिषद था उसमें ये मंत्री थे। आपको इन मंत्रियों का
नाम जो है याद करना पड़ेगा, और ये भी याद करना पड़ेगा कि आखिर वो क्या थे। जैसे कि अभी ये महामंत्री या महामत्य, ये जो थे ये प्रधानमंत्री को बोला गया था, विदेश मंत्री को महासंधि विग्रह बोला गया था, धर्म विभाग के जो प्रमुख थे राजगुरु उन्हें महापुरोहित या फिर कहना चाहिए महाधर्मदिकम बोला गया था, जमाबंदी के लिए भी जो हेड थे उन्हें महाप्रमंत्री बोला गया था। तो ये इस तरह से आपको याद रखना है क्योंकि ये सवाल जो है पूछा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर कलचुरी के समय पे जो विभाग थे उनका भी आपको यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे विदेश का जो विभाग था वो संधि विग्रहधिकरण था, संधि विग्रहधिकरण जो इसके विभाग का नाम था। जमाबंदी जो राजस्व का सिस्टम था, रेवेन्यू, मैंने कुछ देर पहले बताया, वो महाप्रमंत्री के नाम से जाना जाता था। जो धर्म वगैरह के जहां पे भी बात होती थी वहां पे महाधर्मधिकरणिका या फिर महापुरोहित के नाम से होता था। पुलिस विभाग दंड पशिका के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही न्यायिक जो प्रणाली थी वो थी दंडिका के नाम से। युद्ध और रक्षा का जो था वो है साधना विभाग या महागणपति, और परिवहन भी उस समय था, ट्रांसपोर्टेशन था, परिवहन विभाग था, वो गमागमिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और उस समय पे राज्य का देखो प्रशासनिक ढांचा कुछ इस तरह से था। अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा राज्य है तो बिल्कुल एकदम ही ऐसे तो नहीं उसको प्रशासन किया जा सकता है। जैसे एक देश है, फिर देश के अंदर में राज्य होते हैं, फिर राज्य के अंदर में भी जिले होते हैं, जिले के अंदर में भी बहुत सारी चीजें होती है, तहसील होगा, ब्लॉक होगा, ये सब धीरे धीरे छोटे छोटे रहते हैं। उसी तरह से कलचुरी के दौरान भी थे, सबसे पहले राज्य था जहां पर ये अपना राज्य, इनका रतनपुर जो था वो था, जिसका प्रधान कौन था, इसका प्रधान था राजा, ये इसका मेन हुआ करता था। ये राज्य जो है इसके बाद राज्य को डिवाइड किया गया, भाग दिया गया और वो बना मंडल। उसके प्रमुख थे मांडलिक या मंडलेश्वर, जो भी जाने जाते थे, जो भी प्रमुख बनते थे उन्हें मांडलिक या मंडलेश्वर कहा जाता था। इस मंडल को फिर और विभाजन किया गया गढ़ में, ठीक है, और ये गढ़ का मेन कौन हुआ करता था, दीवान, दीवान नाम का एक शख्स है। और कहा जाता है कि एक गढ़ के अंदर 84 गांव आते थे, मतलब 84 गांव को मिलाकर के एक गढ़ बनता था, और इसीलिए इसको गढ़ 84 भी कहते हैं। गांव, ये जो गढ़ है उसको भी फिर और विभाजन किया गया और उसमें आ गया बरहो, बरहो बना दिया गया उसको। बरहो का प्रमुख होता था दाऊ नाम का एक व्यक्ति। माना जाता है कि एक बरहो में लगभग कितने गांव आते थे, 12 गांव। देखिए एक गढ़ में 84 गांव और एक बरहो में 12 गांव। फिर सबसे छोटा बरहो के बाद जो होता था वो होता था ग्राम। बरहो के भी अंदर ग्राम है, और ग्राम का प्रमुख कौन होता था, गौटिया। तो आपको ये जो पूरा सीक्वेंस है ये याद रखने की जरूरत है, और इसमें कौन सा किसका प्रधान था ये भी आपको जानना होगा, याद रखना होगा, कहने का मतलब। अब देखिए स्थानीय प्रशासन की बात कर लेते हैं। अब ठीक है, हमने विभाजन तो कर दिया, ग्राम है, बरहो है, गढ़ है, लेकिन उसमें भी तो अंदर प्रशासन की जरूरत है। जो हमारा जिला होता है तो जिले के अंदर भी प्रशासन की एक अपनी एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह से यहाँ पे भी था। यहाँ पे समिति बनी हुई थी, उस समिति का नाम था पंचकुल, और उसका जो प्रमुख था वो महातम कहलाता था, और जो उसके सदस्य है वो महत्र कहलाते थे। ठीक है, तो ये जो पंचकुल समिति थी इसके अधीन कुछ मुख्य अधिकारी थे, जो पूरा जो प्रशासन है स्थानीय, लोकल जिसको बोलते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो पूरा देखा करते थे। जैसे पुलिस अधिकारी हो गए, पटेल हो गए, तहसीलदार है, ये लेखक भी थे उस समय, करणिक नाम से जाना जाते थे, और ये जो कर एकत्र करने वाले होते थे, सैनिक, ये सब मुख्य अधिकारी थे। किसके? ये पंचकुल जो समिति थी। ये जो मुख्य अधिकारी थे इनके अलावा भी कुछ अधिकारी थे जिनकी जरूरत पड़ती थी स्थानीय प्रशासन को संभालने में, जैसे कि पूर्व प्रधान, ये जो है ये शहर का प्रमुख हुआ करता था, या शहर का अधिकारी समझ लीजिए। पूर्व मतलब शहर है, और उसका जो इम्पोर्टेंट जो मेन अधिकारी है वो पूर्व प्रधान कहलाता था। गांव का अधिकारी ग्राम भोज का या ग्राम कुत्ता कहलाता था, ग्राम भोज का आज भी बोला जाता है, तो ये आप याद सकते हैं, याद रख सकते हैं कि गांव के अधिकारी है। दंड पशिका जो दंड के अधिकारी होते थे, मतलब दंड का जो भी पूरा क्षेत्र है वो देखा करते थे, किसको दंड देना है, किसको दिया है, किससे वसूलना है, ये सारी चीजें वो देखा करते थे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कलचुरी के समय की जो सामाजिक स्थिति थी वो कैसी थी। तो सामाजिक स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः प्रचलन यहाँ पे था, मतलब कि
ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, शूद्र, ये चारों वर्ण यहाँ पे स्थित थे और कायस्थ को कर्णिका बुलाया जाता था, ऐसा उल्लेख किया गया है अलग अलग शिलालेखों में। संयुक्त परिवार की प्रणाली बहुत प्रचलन में थी, मतलब ज्वाइंट फैमिली की। महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, सम्मानजनक थी, और ये इस बात से भी पता चलता है कि जब जजल्यदेव ने सोमेश्वर प्रथम को बंदी बनाया था और सोमेश्वर प्रथम ने जजल्यदेव से सोमेश्वर प्रथम की माता ने जजल्यदेव से अनुरोध किया कि वो उसे छोड़ दे, तो उन्होंने बात मान भी ली थी। और ये बताता है कि महिलाओं की कितनी सम्मान किया करते थे ये लोग। और भी कई ऐसे जगहों पे देखा है जहां पर महिलाओं ने यहाँ पर अपना योगदान दिया है। लेकिन एक चीज यहाँ पर थी कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था, ऐसा हमें शिवरी नारायण जो जगह है उसके शिलालेख से पता चलता है। वहां पर सती प्रथा का प्रचलन कलचुरी के दौरान पे था। ठीक है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी क्योंकि बहुत विभिन्न तरह के कर ये लोग जमा करते थे, जिसमें सबसे जरूरी तो भूमि कर ही था, पर उसके अलावा भी जो जैसे माल पर कर लगता था, गुड्स जो आते थे अलग अलग प्रोडक्ट उस पर इनका कर लगता था, बिक्री करने का कर होता था, नदी और घाट इन्होंने जो बनाया था उस पर भी ये कर लेते थे, तो आर्थिक स्थिति वैसे बहुत अच्छी थी। साहित्य और कला के हिसाब से भी देख लेंगे, शिक्षा के हिसाब से तो भी ये बहुत ही संपूर्ण वंश हुआ करता था, क्योंकि हमने देखा है कि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों, बहुत सारी जगह का निर्माण कराया, तो हम समझ सकते हैं कि कला में तो बहुत ही निपुण थे। वही बहुत सारे अभिलेख ऐसा मिले हैं जो दिखाते हैं कि यहाँ पे शिक्षा भी थी, जैसे कि रतनपुर, सिरपुर, मल्हार, आरंग, रायपुर, राजिम, ये सब जो ऐसी जगह है इससे हमें पता चलता है कि ये शिक्षा के केंद्र थे, ऐसा हमें अलग अलग अभिलेखों से मिला है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो शिक्षा की व्यवस्था थी कलचुरी के दौरान वो बहुत अच्छी थी। तो ये पूरा तो था रतनपुर के कलचुरियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले के जो वीडियो है जहां पर मैंने छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भी पढ़ाया है, राजवंश पढ़े हमने, क्षेत्रीय राजवंश दो भागों में, ककातिया वंश भी पढ़ा है, ये कलचुरी है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप प्लीज देख लीजिए और पूर्वांचल IAS में जाकर घर बैठे जरूर इन कोर्सेस का लाभ उठाइए। उम्मीद करती हूँ आप सफलता हासिल करेंगे अपनी परीक्षाओं में। धन्यवाद।